जय माँ कर्णी की। दोस्तों जय गो माता की। मैं श्याम भोंसले और मेरे YouTube Facebook पर आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों अभी हम जो एक मंडाल गांव रेस्क्यू में जा रहे हैं, मंडाल गांव रेस्क्यू एक किचन के अंदर है जो कोऑपरेशन है घुस गए हैं और वो हमारा काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हम पहले हैं जो एक गोमाता का रेस्क्यू किया और उस गोमाता का रेस्क्यू करके बच्चों से गौशाला तक पहुंचाए और उसका इलाज करवाया। उसके बाद है जो अभी हमारे पास उनका पहले से ही कॉल आ रखा था, लेकिन है जो हम पहले गोमाता के रेस्क्यू के अंदर बिजी थे तो अभी हम वहां पर पहुंच रहे हैं दोस्तों। और वीडियो के लास्ट तक बने रहे, वीडियो में किसी भी प्रकार की क्लिप की नकल करने की बिल्कुल भी दोस्तों कोशिश ना करें। और दोस्तों मिलते हैं अभी रेस्क्यू के अंदर, दिखाते हैं आपको रेस्क्यू। दोस्तों जिस लोकेशन की हम बात कर रहे हैं उस लोकेशन पर दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सामने ही, और हमारे साथ हमारी टीम के मेंबर्स हैं और जो हमें हर समय मदद करते रहते हैं रेस्क्यू के अंदर दोस्तों। तो जल्दी ही दोस्तों आपको रेस्क्यू दिखाते हैं। और दोस्तों जिस समय की बात कर रहे थे ये किचन से निकल कर बाहर आ गया है और ये स्पेक्टिकल कोबरा स्नेक का बेबी है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जहरीला है, जितना ही छोटा होता है उतना ही ये इससे ज़्यादा खतरनाक होता है। और ये दोस्तों गर्मियों का मौसम है तो कहीं ना कहीं ये भटकते हुए हमारे घर के आसपास समझो दोस्तों आ जाता है। ऐसे में बेजुबान जीवों को मारे नहीं और पर्यावरण के अंदर दूर दोस्तों रिलीज करवाए, क्योंकि ये पर्यावरण के बहुत ही प्यारे दोस्तों हमारे मित्र हैं। और ये चूहों को पूरे रात में हमारे घर पर चले आते हैं। दौड़ने जाने कोशिश करें पर दौड़ी भी बोले क्योंकि आगे पक्को रह
डब्बो दिया तो थोड़ी सी मांगी तो नहीं आम ने पक्को रहेगी तीस किलो मिट्टी हुई नहीं बहुत जोर नहीं दोस्तों इसको लेकर चलते हैं वन विभाग में रिलीज करने के लिए और इन्हें मारे नहीं, इनके छोटे छोटे छिद्र बना दिए गए हैं ताकि ये आसानी से जो सांस ले सके और किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, और तब तक इसको जो हम जंगल के अंदर दूर रिलीज करते हैं। पहला बिहार था या पहली बार आयो? नीचे कपड़ा लगे तो चाय बना सो सात जन और जल बार ही है रसोई में गैस चूल्हे नीचे नीचे पट्टी गैस होती है नहीं हाथ कौन लागे किचन के अंदर है जो चाय बना रहे थे उस समय इस कोबरा ने कोई हलचल होने के कारण है जो अपना फन तान कर आवाज करने लगा। इस इनको तब पता चल गया था कि यहाँ पर कोई जहरीला चीज है, तब इन्होंने हमें सूचना की और इसको जो दूर रिलीज करा। ये सामने आप देख सकते हो नीचे ऐसे गेट के तीनों गेटों के अंदर ये इसी तरह से रोका गया था कपड़ों से, लेकिन ये कहीं ना कहीं से निकल कर बाहर आ गए क्योंकि ये पतला है और छोटा है सांप, तो कहीं ना कहीं से गेट के नीचे से निकल गया।